हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीक्रेट वॉर का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इससे पहले के एपिसोड्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए देख सकते हैं। और आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गॉड डूम का महल, जहां पर विक्टर वॉन डूम से यानी कि गॉड डूम से शेरिफ कुछ कह रहा था और कुछ अनसुलझे पहलू के बारे में उसे बता रहा था। तभी गॉड डूम उठता है और बताता है कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है शेरिफ। तो वो कहता है, मैं समझा नहीं, तुम जो ये रिकॉर्ड्स मुझे सुना रहे हो इसका मतलब क्या है, तुम करना क्या चाहते हो आखिरकार। तब शेरिफ यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि माय गॉड, आप ओमनीपोटेंट है लेकिन आप ओमनीसिएंट नहीं है। तो ऐसे कई खतरे हैं जो आपके थ्रोन के और इस वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मेरा काम यही है कि मैं उन खतरों के बारे में जानूं और उन्हें सीक्रेटली खत्म कर दूं। वो दोनों ये बातें करते हुए बाहर की तरफ जाते हैं, जहां पर वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे यह याद दिलाता है कि गॉड बनने के वो लायक था, ना कि डूम। तब डूम कहता है, हाँ मुझे पता था, और मुझे ये भी पता है कि तुम बनना नहीं चाहते थे। तब वो कहता है, हाँ मैं बनना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि हमने क्या खोया है, इस वजह से मैं इस चीज को गार्ड कर रहा हूँ जो कि तुम अभी हो। यहाँ पर वो कहता है, और इसी वजह से मेरा पूरा भरोसा तुम पर है शेरिफ। तब वो कहता है, इसके लिए थैंक्स विक्टर। वो आगे बातें कर रहे थे, तभी उसे डूम गार्ड की तरफ से कुछ मैसेज आता है। थोड़ी देर बाद पिटोपोलिस, जहाँ पर हम देखते हैं थॉर्स को लाइफ राफ्ट के सामने, और डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर आकर यम थॉर से पूछ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तब वो अपना आंख को देखा बयान उसे बताता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी अपग्रेडेड पावर के साथ कुछ और देखता है, और दूसरा थॉर आकर उसे बताता है कि वो शायद 6 थे या फिर 7, और अगर वो भागते हुए गए हैं तो वो 100 लीग के आसपास पहुंच चुके होंगे, और अगर वो उड़ते हुए गए हैं तो 4 गुना उससे ज्यादा। तब डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में कहता है, 500 पकड़ के चलो और अपने हर एक आदमी को कहो कि पहले 50 लीग्स कवर करे, और अगर तुम पहुंच ना पाओ तो अपनी फोर्स को स्प्लिट कर दो। जानता हूं तुम गुस्से में हो और मैं भी, लेकिन मुझे वो लोग जिंदा चाहिए। यहाँ पर उस मरे हुए थॉर को वो उठाता है और उसका एक पुतला बनाकर वो कहता है, तुमने काफी कुर्बानी दी है मेरे दोस्त, और तुम मरने के बाद एक सेंटिनल का दर्जा हासिल करने की काबिलियत रखते हो। और वो लाइफ राफ्ट की तरफ देखते हुए कहता है, तो बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, और अगर तुम बाहर नहीं आए तो मजबूरन मुझे अंदर आना होगा। और माइल्स मोरेल्स बाहर निकल कर कहता है, मैं यहाँ पर झगड़ा नहीं चाहता, मैं पीस के लिए आया हूँ। और वो बाहर आकर सबसे पहले पूछता है कि तुम्हें पता है हम कहाँ पर है। तब वो स्टेज कहता है, क्या तुम पूरे वक्त उस वेसल में थे। तब वो कहता है, हाँ, लेकिन वो बताता है कि ये शिप मेरी नहीं है, और शायद जो लोग इस शिप में थे वो भी अच्छे लोग नहीं थे, उनके ड्रेस से पता चल रहा था। जब वो बड़ा सा डोम खोला जो कि बिल्कुल उस आसमान के नीचे था जिस आसमान में दूसरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा था, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, तुम्हें ये सब याद है। यहाँ दूसरी तरफ कैसल डूम में डूम और सुजन एक दूसरे से बात कर रहे थे, और वो दोनों बात कर रहे थे जॉइन के बारे में, जिसे डॉक्टर डूम ने सन बना दिया था इस दुनिया का। और आगे बात करते हुए हम ये देखते हैं कि डॉक्टर डूम इतनी पावर होने के बाद भी अपना चेहरा ठीक नहीं कर पाया था, और वो नाटक कर रहा था इन सब लोगों के साथ एक अच्छा गॉड होने का। हिडन आई ऑफ अगामोटो, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज माइल्स मोरेल्स और थॉर को लेकर आते हैं, और पूछने के बाद वो बताते हैं कि ये मेरा हेवन है, मेरा खुद का सैंक्टम सैंक्टोरियम। और वो बताता है कि मैं सरप्राइज नहीं हुआ कि तुम्हें वो वेसल मिला, लेकिन मैं सरप्राइज हुआ था जब मुझे वो पहला वाहन मिला। तब माइल्स मोरेल्स पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक और है, और तब उसे वो एक और लाइफ राफ्ट दिखाते हुए थॉर को उसे खोलने के लिए कहता है, उसी तरह से जैसे उस एलियन ने उसे खोला था, और थॉर उसमें कामयाबी हो जाता है। और उस लाइफ राफ्ट में से कोई और नहीं बल्कि 616 के सुपर हीरो निकलते हैं। यहाँ पर पीटर और माइल्स एक दूसरे को देखकर काफी हैरान थे, और कैप्टन मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर।
और वो दोनों ये कंफर्म कर रहे थे कि ये हमारे ही वर्ल्ड का है या फिर किसी और वर्ल्ड के। और कंफर्म करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि क्या इतने ही लोग हैं, तब वो कहती है नहीं। और तब वो देखता है फीक्स फोर्स के साथ मिला हुआ साइक्लॉप्स और डॉक्टर रीड रिचर्ड को, और उन्हें देखकर वो बताता है कि आखिरकार हुआ क्या था, तुम महीनों पहले गायब हो चुके थे। तब वो बताता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन तुमने एक क्राफ्ट बनाया इस सबसे सर्वाइव करने के लिए, ये अमेजिंग बात है। और तभी ब्लैक पैंथर बताता है कि हाँ, हमने वीकनेसेस को और डिफेक्ट्स को बचाने के लिए ये किया था, लेकिन हमने लोगों को खो दिया। रीड, और इतना कहने के बाद रीड कहता है, एक सेकंड पहले कुछ ऐसा लगा कि मैं उन्हें बचा लूंगा, ये मिनट्स पहले की बात है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। और तब पूछने के बाद वो कहता है कि हम लोग है कहाँ पर और ये आखिर जगह कौन सी है। तब वो कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या तुम लोग पूरे वक्त उसी में थे, उसी वेसल में? तब स्टारलॉर्ड कहता है हाँ, मुझे लगता है ये सिर्फ कुछ घंटों पहले की बात होगी, क्योंकि अंदर में बोर हो चुका था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ये 8 साल पहले की बात है, सब कुछ मर चुका है और गॉड ने बचे हुए टुकड़ों के साथ जो कि अर्थ के इंकर्शन के बाद बचे थे, उनके साथ गॉड ने नई धरती बनाई, सब लोगों को यहाँ पर रहने की जगह दी, सब कुछ पहले जैसा कर दिया। तब रीड कहता है कौन है वो? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है एक्सक्यूज मी, तुम क्या कहना चाहते हो? तब रीड कहता है गॉड, वो गॉड है कौन जिसकी तुम बात कर रहे हो? तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है वो डूम है, विक्टर, विक्टर ने हम सबको बचाया। ब्लैक पैंथर पूछता है और स्टीफन तुम्हें ये राफ्ट कब मिला? तब वो कहता है 3 साल पहले, मैं कुछ ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रुका था, मैं नहीं चाहता था कि कोई और मुसीबत आए। तब रीड कहता है विक्टर वॉन डू गॉड है और इस जगह को रूल कर रहा है, और तुम कंसिडरेशन के बिना पर ये खोलने से डर रहे थे, तुम आखिर कर क्या रहे हो स्टीफन? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हम लोगों को यहाँ पर जिंदा दफनाने की तैयारी में थे, तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है और तुम इतनी देर चुप क्यों रहे? तो वो कहता है ये एक्सप्लेन करना आसान है रीड, क्योंकि वो अपने गॉड के रोल में काफी अच्छा है, वो बहुत अच्छी तरीके से गॉड का रोल निभा रहा है। द किंगडम ऑफ यूटोपोलिस, जहाँ पर कबाल भाग कर आ चुकी थी और वो सभी लोग अपने अपने सजेशन दे रहे थे एक दूसरे को। कुछ का कहना था कि हम दूसरी डायरेक्शन में जाए, तो कुछ का कहना था कि हम अपने लाइफ राफ्ट के पास वापस जाए। तब थानोस कहता है कि मैं कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की और ना ही किसी और चीज की, क्योंकि हम आंसर्स को नहीं ढूंढ रहे, आंसर्स हमें ढूंढ लेंगे। तब नेमर उसे पूछता है और ये होगा कैसे थानोस? तब थानोस कहता है क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ। और तब हम देखते हैं थॉर्स को उन कबाल की तलाश में आते हुए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।